हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं क्विक सिलेक्शन टूल का यूज़। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्विक सिलेक्शन टूल का यूज़ क्या है। जैसे कि हमने फ़ोटो की कटिंग करना सीखा था लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल से, इन सब से फ़ोटो की कटिंग करना हमने सीख लिया था। क्विक सिलेक्शन टूल से भी हम फ़ोटो की कटिंग ही करते हैं। इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है कि क्विक सिलेक्शन टूल से हम बहुत ही जल्दी से कटिंग कर पाते हैं। पर हमें जैसे कि पॉलीगोनल लासो टूल से हम कटिंग कर रहे थे तो हमें बहुत ही टाइम लग रहा था कटिंग करने के समय। हम एक्चुअली थोड़ा थोड़ा सिलेक्ट कर करके हम कटिंग कर रहे थे, उसमें हमें बहुत टाइम लग रहा था। क्विक सिलेक्शन टूल हमें जल्दी से कटिंग करने के लिए काम आता है। तो मैं बताती हूँ वो कैसे किया जाए। फाइल में ओपन किया, ये मैंने फ़ोटो लिया, इसको ओपन कर देती हूँ। अब मैंने टूल बार में से क्विक सिलेक्शन टूल लिया, जहाँ से हमने मैजिक वैंड टूल लिया वहाँ से उसको राइट क्लिक करेंगे। अंदर पड़ा है हमारा फर्स्ट वाला क्विक सिलेक्शन टूल, ये मैंने टूल सिलेक्ट कर लिया। अब आप इसको ऊपर देखें ऑप्शन बार में, ये आपको ऑप्शन मिलते हैं। ये है हमारा न्यू सिलेक्शन का, ये है हमारा एड टू सिलेक्शन एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। इसमें आप एड टू सिलेक्शन सिलेक्ट करके रखेंगे, देन आप सिलेक्शन करेंगे। ये मैंने इसको मूव टू न्यू विंडो कर दिया, मैक्सिमाइज कर दिया। अब मैंने कंट्रोल प्लस से इसको थोड़ा जूम कर लिया। अब आप इसको बहुत ही आसानी से सिलेक्शन कर लेते हैं। ये आप माउस का लेफ़्ट क्लिक करें और जहाँ से आपको जो पोर्शन आपको सिलेक्ट करना है वहाँ पे सिर्फ आप ड्रैग करें। ये देखिए, ये मैंने इसको सिलेक्शन किया, ये मेरा फ़ोटो जो है वो सिलेक्शन हो गया। अब आप देख रहे हैं इसमें कुछ बाल हमारे जो है वो बाहर आ गए, ये हमारी सिलेक्शन के अंदर नहीं है, वो अब मैं बाहर आ गए। अब इसको मैं सिलेक्शन के अंदर लाना बताती हूँ वो कैसे लाया जाए। इसको मैंने मैक्सिमाइज कर दिया, ये कंट्रोल माइनस कर दिया। अब आप इसमें देख रहे हैं ऑप्शन बार में आपको ऊपर देख रहा है रिफाइन एज। आप जो भी टूल सिलेक्ट करते हैं कटिंग का, जैसे कि लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल लिया था, इन सब में आपको ऊपर ऑप्शन बार में रिफाइन एज दिखेगा। इसमें भी आपको दिख रहा है रिफाइन एज, आप इस पर जाएँ। रिफाइन एज में आप देख रहे हैं आपको ये प्रीव्यू दिख जाएगा जो आपका सिलेक्शन पार्ट किया हुआ है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि ये हमारा सिलेक्शन जो है वो बहुत ही ख़राब तरह से हुआ है, हमारे जो हेयर्स थे वो उसमें थोड़े से कट गए हैं। अब इसको वापस कैसा लाया जाए। अब आप इसमें ये थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये आता है आपको रिफाइन रेडियस, इसको आप राइट क्लिक कर लें, ये आप रिफाइन रेडियस पे जाएं। रिफाइन रेडियस किया और आप यहाँ से आप इसकी रेडियस की साइज़ कम ज़्यादा कर लें, जैसे कि मैंने ये 25 रख दी। अब आप यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, एक मिनट मैं इसको पहले जूम कर लेती हूँ। अब मैंने रिफाइन एज में गई वापस, यहाँ पे राइट क्लिक किया, ये रिफाइन रेडियस, ये आप रिफाइन रेडियस करें और आप यहाँ पे ये टूल चलाएं। ये बालों से अंदर से बाहर की तरफ जाए, ये अंदर से खींचा बाहर गए तो आपके जो हेयर छूट गए थे वो वापस आ जाएंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम बहुत ही आसानी से क्विक सिलेक्शन टूल से कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, जो भी हेयर्स हमारे छूट गए थे वो वापस आ जाएंगे। अब आप इसमें ये थोड़ा सा स्मूथनेस बढ़ा लें, फेदर बढ़ा लें, कंट्रास्ट बढ़ा लें, देन आपको कहाँ पे चाहिए वो वापस सेलेक्ट कर लें। मैंने न्यू लेयर सेलेक्ट की, ओके किया, ये आपको दिख गया। ये देखिए हमारी बहुत ही अच्छी तरह से कटिंग हो गई। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।